नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, रेलवे की तरफ से रिफंड किया जा रहा है पेमेंट। बिल्कुल, अगर आपने भी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है तो बिल्कुल रेलवे करने जा रहा है सभी को। जितने पैसे आपके लगे थे उनमें से आधे पैसे आपको रिफंड किए जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, कैसे आप इनका यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे रिफंड के लिए, साथ ही रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, तो वो नोटिस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस रिफंड को कैसे ले सकते हैं, इन पैसों को वापस अपने अकाउंट में कैसे क्रेडिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अकाउंट डिटेल कौन सी भरी थी और डिटेल अगर आपने गलत भर दी तो वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आने वाले। तो दोस्तों, इसको लेकर हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल, आप यहां पर देख रहे होंगे आरआरबी की ऑफिशियली साइट पे है और यहां पर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा। यहां पर आप देख लीजिएगा 6 तारीख का यह नोटिस है जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल आप यहां पर देख ले, नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जाम फीस। बिल्कुल, आपके जो एग्जाम फीस है वो रेलवे की तरफ से ली गई थी, वो आपको अब रिफंड की जा रही है। तो कितने पैसे आपके रिफंड होने वाले, अलग अलग कैटेगरी वाइज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करें। तो सबसे पहले हम वो नोटिस डाउनलोड करते हैं जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली जारी किया। तो दोस्तों, यहां से नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे सामने नोटिस डाउनलोड होके आ चुका है। बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है, यहां पर आप देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस है। आप देख लीजिएगा अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ सीएन नंबर 2021 और यहां पर आप देख ले रिफंड ऑफ एग्जाम फीस अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। यहां पर आपने अगर कौन से बैंक की डिटेल दिए, अगर आपकी डिटेल गलत है आप यहां पर करेक्शन कर सकते हैं। रेलवे ने क्या कहा है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कैंडिडेट हू हैड अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप भी फर्स्ट स्टेज सीबीटी टेस्ट में अगर आपने भी दिया है सीबीटी टेस्ट 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक 7 फेजों में आपका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, यहां पर उन सभी का जो फीस है वो रिफंड किया जा रही है। एग्जामिनेशन फीस है वो रेलवे की तरफ से रिफंड की जा रही है। मैं आपको अलग अलग बता देता हूं कितनी कितनी फीस आपके रिफंड होने वाली है। तो बिल्कुल आप यहां पर देख लीजिएगा ₹250 SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट म्यूनिटी कैंडिडेट है उनके लिए यहां पर होने वाले, उसके साथ ही बाकी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ₹400 की यहाँ पर जो यहाँ पर उनके रिफंड किए जाएंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्ज एज एप्लीकेबल। मतलब बैंक चार्ज के बाद में आपके इतने पैसे अकाउंट में डाले जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कब से कब तक आपका ये लिंक एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली एज अपडेट बैंक अकाउंट लिंक। बिल्कुल दोस्तों, बैंक अकाउंट लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख लीजिएगा 11/8/2021 को सुबह 10 बजे से लेकर 31/8/2021 तक रात 12 बजे तक आप दोस्तों अपनी डिटेल है उसे फिलअप कर पाएंगे। अगर आपने कौन सी डिटेल दिए, कौन से अकाउंट की डिटेल दिए वो आप चेक कर सकते हैं और ये पैसे जो रिफंड कर रहा है रेलवे ये अपने अकाउंट में डायरेक्ट आप क्रेडिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड द सीबीटी टेस्ट आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्जाम फीस। आपने अप्लाई किया है तो आप दोस्तों यहां पर एग्जामिनेशन फीस है उसको रिफंड कर सकते हैं। यहां पर आप बैंक के अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड अगर आपने इनकरेक्ट भरे हैं तो आप यहां पर करेक्ट कर सकते हैं, साथ ही चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन से अकाउंट के नंबर दिए थे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेटों ने बाहर से फॉर्म भरवाया था और उसमें साइबर कैफे वाले या फिर दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो आपके जो ई मित्र वाले उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दे दिए जिससे आपके पैसे उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है, आप चेंज कर सकते हैं और 31 अगस्त तक ये आपको मौका मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर कर दे ताकि सभी दोस्त इस चीज का फायदा ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।